का सीन और आप सब देख रहे हैं गुलबर्गा हेडलाइन। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के पास है न्यू दिल्ली में। इस तरह से आप देख सकते हैं पिछले 10 दिन पहले यहाँ पर जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ यहाँ पर जो एहतजाज किया जा रहा था पुलिस की तरफ से, लोगों पर जो लाठी चार्ज किया गया उनके ऊपर, जब यहाँ पर उनके ऊपर अटैक किया गया था। इस तरह से आप लोग जानते हैं जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी में अंदर घुस कर पुलिस की तरफ से वहाँ पर उनको मारा गया था, कि बातों में घुस कर उनको मारा गया था। तो यहीं से एक इनकलाब पैदा हुआ, पूरे हिंदुस्तान भर में लोग सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ एहतजाज करना शुरू कर दिया। तो आज हम लोग यहाँ पर पिछले 2 दिन से जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से बात करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। तो कुछ लोगों से हमने बात की है, तो आइए सुनते हैं वो लोग क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू सो मच गुलबर्ग हेडलाइंस हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत कम न्यूज चैनल आजकल ऐसे बच गए हैं जो साथ में जुड़ते हैं और सच को दिखाते हैं। हम लोग यहाँ पे जो मोदी जी ने और अमित शाह ने बेड़ा गर्क किया है उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोगों ने सत्यानाश कर दिया है देश का, पूरी कंट्री का, पूरे कंट्री के लोगों का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कहते हैं वो माइनॉरिटीज को सिक्योरिटी देंगे दूसरे कंट्रीज की, अपने कंट्री की माइनॉरिटी की सिक्योरिटी दो तो अपने कंट्री की माइनॉरिटी को सिक्योरिटी नहीं दी जा रही आपके पास। आप दूसरे देश से दूसरे देश को बुलाएंगे, आप यहाँ पे जय श्री राम ना बोलने पे मुसलमानों के लिए लिंचिंग कर देते हैं, क्या लिखे वालों ने जो बर्बरता दिखाई है, जो घरों में घुस के औरतों को मारा है, जो तोड़ फोड़ की है, उनकी भरपाई कौन करेगा, इसका जवाब क्यों नहीं देते? ये मुसलमानों और हिंदू मुसलमान करा के सोचते हैं कि हिंदुस्तान पे हम राज कर लेंगे, ये उनकी भूल है। आज देश का हर एक बच्चा जाग चुका है, हर एक को पता कि करप्शन से भरा हुआ कौन है। दूसरे के कंधे पर रख के बंदूक चलाना ये बंद कर दे, और पहले ये सवाल दे कि ये जो पुलिस वालों ने जो बर्बरता की है, जो स्टूडेंट को मारा है, जो घरों में जाके तोड़ फोड़ की है, जिनकी औलादें चली गई हैं, उनका जवाब कौन देगा? उनको आके ये बताए ना कि ये उनके औलाद को ला के वापस करेंगे? अरे जिनकी प्रॉपर्टी को तोड़ा उनकी भरपाई ये मोदी करेगा? ये क्यों नहीं जवाब देता है? उन माओं का तकलीफों को कोई नहीं देखता है जिनकी जवान लड़कियां उठा ली गई है और रोज उनके परिवार वालों को धमकी दी जा रही है कि अगर तुमने पुलिस में कंप्लेन की तो तुम्हारी बेटी का मर्डर करवा देंगे? अरे पहले ये तमीज तो सीखे, पहले मुक्त तो कराए हरम को। योगी मोदी और अमित शाह जैसे और मनोज तिवारी जैसे इन नेताओं से अपने देश को मुक्त कराना है, और ये देश किसी की गुलाम ही नहीं करने वाला है, ये जान ले, ये उनका गुलाम बनकर नहीं रह जाएगा। मैं जामिया के स्टूडेंट हूँ। आज जो बर्बरता जो 15 तारीख को हुआ था वो तो बड़ी शर्मनाक की बात है। लड़कियों लड़का को मारा गया, जब आप बोलते हैं कि आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैं बेटी मारो बेटी भगाओ, ऐसे हो गया। और जो लड़की लड़की को मारा तो बेटियों को ही मारा जा रहा है, पकड़ के ले जा रहा है उसको जो करा गया तो उससे दबाया जाता है। अब आज ये कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में कहता है सभी को एक बराबर हक, जब एक आज़ाद हुआ तो सब मिलकर आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर। जब 1917 में जब चंपारण की ये हुआ था नील का खेत, जब बिहार की वेस्टर्न चंपारण, तो सब मिलकर ने किए थे आज़ादी, सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर लड़े तब आज़ाद हुआ था। पहले हम गुरु से आज़ाद लेते, अब हम चोरू से आज़ाद लेंगे। Oh,
बाहर का लोग आके पथराव, एंटी एलिमेंट जिसे कहते हैं, अगर वो पथराव आके करें, क्या हम यहाँ के लोगों को इंजाम लगाएंगे? आप पहले आके एक बार मोदी जी और अमित शाह जी को मैं इनविटेशन देना चाहूँगा कि एक बार आए और जामिया को देखें। अगर कोई भी दंगाबाजी कर रहा होगा तो किसी को पकड़े या ना पकड़े, मुझे जल्दी पकड़े, मैं ये कहूँगा। और क्यों? क्योंकि यहाँ सारे पीसफुल चल रहे हैं, एजुकेशन का कोई धर्म नहीं होता। आप अगर किसी हमारी जामिया मिल्ली इस्लामिया पर लगाएं या डी यू पर लगाएं या एम यू पर लगाएं, पहली बात आप जो धर्म के नाम पर बांटते हैं ना किसी को, वो आप अपनी सोच से निकाल लीजिए। क्योंकि जब हमारी देश आज़ाद हुआ था ना, कोई ये नहीं पूछा था कि तुम्हारा धर्म कौन है, तभी आज़ादी में शामिल होना। तकदीर अल्लाह से मांगो, अपने आमाल सुधारो, मदद करो, मुसलमानों की मदद करो। जितने मुसलमान हैं आप जाकर रामपुर में देखिए कैसे रक्षा करने वालों को जुल्म हुआ, उनके मकान तोड़ दिए गए, उनके ठेले उठा लिए गए, मर्दों को जेलों में भर दिया गया और उनके ऊपर कंकड़ियां फेंक दिया गया। कोई 28 लाख देगा, कोई 27 लाख देगा, तो कहाँ से देंगे वो? हमें उनकी आवाज बनना है। आप आए रोजाना आए तो भी लोगों को बताएं, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है टॉपिक के आप बहुत उसको सीरियस ना लें, ये बहुत सेंसिटिव इशू है, इसको दिल से महसूस करें। अल्लाह ताला ने मुसलमान को ऐसे बनाया है एक बॉडी की तरह, अगर पूरी दुनिया में किसी मुसलमान के पिंच हो तो तकलीफ हर मुसलमान को होनी चाहिए। मैं कर्नाटक का गुलबर्गा से यहाँ आया हूँ और सबसे पहले मैं यहाँ आप तमाम स्टूडेंट्स को मुबारकबाद देता हूँ कि जिन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के जानिब से ये एहतजाज मुनक़द कर पूरे हिंदुस्तान में एक आज़ादी की लड़ाई की बिगल बजाई है। ना सिर्फ आज़ादी की लड़ाई की बिगल बजाई है, बल्कि आप लोगों ने हिंदुस्तान के तमाम हिंदू मुस्लिम जो भाई जो सोए हुए थे उनको जगाया है। ये बहुत बड़ी कामयाबी है हमारे लिए कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी पर जिस तरीके से मनसूबाबंद साजिश की गई, ये एक साजिश को अगर सही तौर पर देखा जाए तो ये कोई छोटी मोटी प्लानिंग नहीं थी, ये एक बहुत बड़ी प्लानिंग थी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी पर अगर हमला किया जाए, जहाँ से देश का मुस्तकबिल निकल कर आता है, जहाँ से तालिबान पढ़ करके हक बात को पूरे हिंदुस्तान में पहुंचाते हैं, अगर हम इन यूनिवर्सिटियों पर अगर हमला करते हैं, पुलिस से लाठीचार्ज करते हैं, फायरिंग कराते हैं, तो पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों की आवाज़ को बंद किया जा सकता है। ये उनका गलत नज़रिया था जिसको आज पूरे जामिया मिल्लिया इस्लामिया के स्टूडेंट्स ने, हिंदू मुस्लिम ने मिल कर आज एहतजाज करके ये मोदी को और अमित शाह को ये बतला दिया कि आप चाहे लाख कोशिशें कर लो, यहाँ पर हिंदुस्तान की जो गंगा जमुना तहजीब है, हम सब यहाँ मिलजुल कर जो रहते हैं उसको हम कायम रखेंगे। तुम्हारे ये ठोकोसले NRC NPR और सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट अब ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलेंगे। अब देश का हर नागरिक जाग चुका है, अब पहचान चुका है कि ये नरेंद्र मोदी, अमित शाह, RSS और VSP असल में ये अंग्रेजों की औलाद है। से इखलाक से किरदार से, तुम नरमी मुख्तार से इखलाक से किरदार से।